हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्रेवल बीमे। गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज मैं आपको सोलर पैनल के कनेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और गाइस, हमेशा ध्यान रखें कि सोलर पैनल का कनेक्शन इन्वर्टर के अकॉर्डिंग होता है। हर एक इन्वर्टर की BOC अलग अलग होती है और इसी के अकॉर्डिंग हम पैनल का कनेक्शन करते हैं। तो आज मैं गाइस आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं कि आपको सोलर पैनल का कनेक्शन कैसे करना है। इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपके पास चाहे 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, चाहे 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है या 48 वोल्ट, कितने ही वोल्ट का आपके पास सोलर इन्वर्टर है, आप उसमें सोलर पैनल का कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में आज आपको पता लग जाएगा। और गाइस, सोलर पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं। यदि आप अपना सोलर सिस्टम परचेस करने जा रहे हैं या सोलर इन्वर्टर परचेस करने जा रहे हैं तो कंप्लीट सोलर सिस्टम के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिए और उन सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। वीडियो देखने में आपको 1 से 2 दिन लगेंगे, तो 1 से 2 दिन में आपके काफ़ी अच्छे पैसे बच सकते हैं और आप अपना सोलर सिस्टम खुद ही अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं और सारी चीज़ें ब्रांडेड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर पैनल का हमें कनेक्शन कैसे करना है। तो चलिए अब हम इसके बैक पार्ट पर जाते हैं। और गाइस, कनेक्शन एक्सप्लेन करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितनी सोलर इन्वर्टर की BOC होती है उसी के अकॉर्डिंग हम सोलर पैनल का कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BOC को हमें कैसे ढूंढना है। देखिए, सोलर इन्वर्टर के पीछे की तरफ BOC लिखी होती है सोलर इन्वर्टर की, और सोलर पैनल के बैक साइड की तरफ आपको एक स्टिकर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको BOC देखने को मिल जाएगी। जैसा कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो BOC है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि BOC कहलाता है ओपन सर्किट वोल्टेज BOC, तो यहाँ पर है 44.5 वोल्ट। तो यहाँ पर यह सोलर पैनल की BOC है, तो इसी को देख कर ही आप सोलर इन्वर्टर में कनेक्शन करेंगे। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि सोलर इन्वर्टर की मैक्सिमम BOC है 20 वोल्ट से 40 वोल्ट तक, ठीक है। सोलर इन्वर्टर की जो BOC है 20 वोल्ट से 40 वोल्ट तक है, और यहाँ पर यह जो सोलर पैनल है इनकी BOC है 40 वोल्ट मान लीजिए, और यहाँ पर दोनों ही सोलर पैनल एम्पियर जनरेट करते हैं 10-10 एम्पियर। तो इस कंडीशन में गाइस हमें सोलर इन्वर्टर की जो BOC है 40 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इनका कनेक्शन करना है। इस केस में गाइस हमें सीरीज कनेक्शन नहीं करना है। यदि हम दोनों सोलर पैनल का सीरीज कनेक्शन करेंगे तो उस केस में टोटल BOC इन दोनों सोलर पैनल की बनेगी जाके 80 वोल्ट। 80 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे सोलर इन्वर्टर डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में गाइस हमेशा ध्यान रखें कि वोल्टेज सेम रहता है और एम्पियर ऐड हो। और गाइस, हमें पैरेलल कनेक्शन कैसे करना है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल की वायर आ रही हैं और यहाँ पर दूसरे सोलर पैनल की वायर यह दोनों है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि यह जो रेड कलर का वायर है यह पॉजिटिव कहलाता है और ब्लैक कलर का यह नेगेटिव कहलाता है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए गाइस आपको दोनों ही सोलर पैनल की पॉजिटिव वायर को इस पॉजिटिव में कनेक्ट करना है और नेगेटिव वायर को, या इसमें से एक नेगेटिव वायर है तो नेगेटिव वाले को आपको यह 3-in-1 MC4 कनेक्टर में यहाँ पर इस तरह से ऐड करना है। और गाइस, MC4 कनेक्टर का क्या यूज़ होता है तो इसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट सोलर सिस्टम नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये बहुत यूज़फुल डिवाइस है, इसमें कोई किसी तरह की स्पार्किंग या आग वगैरह नहीं लगती है, तो ये काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है, आप इसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, यह रहा पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में गाइस पहले हम सोलर पैनल के एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और दूसरे के पॉजिटिव को हम वायर से कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन का यह भी इस तरह से हम सीरीज कनेक्शन करते हैं जाते हैं। तो गाइस, जो हमारे पास सोलर इन्वर्टर है उसकी BOC रेंज है 20 वोल्ट से 40 वोल्ट। तो यहाँ पर हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, तो पैरेलल कनेक्शन में दोनों ही सोलर पैनल की जो BOC है वो 40 वोल्ट ही रहेगी,
बट एम्पियर ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल एम्पियर इन्वर्टर में जाएगा 10+10 20 एम्पियर। तो गाइस यह जो केस रहा 12 वोल्ट वाले मॉडल के लिए, जैसा कि 12 वोल्ट का UTL गामा प्लस आता है, तो यह केस उससे मिलता जुलता है। अब हम गाइस देखेंगे 80 वोल्ट के मॉडल के लिए, 80 वोल्ट के मॉडल में हम सोलर पैनल का कनेक्शन कैसे करते हैं। और 80 वोल्ट के मॉडल्स का मतलब है एक, यह एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको इन्वर्टर, यह मैं पर्टिकुलर इन्वर्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नया UTL गामा प्लस के लिए बोल रहा हूँ, यह एक एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपके पास एक सोलर इन्वर्टर है जिसकी VOC है 80 वोल्ट, जिसकी VOC है मान लीजिए कि 60 वोल्ट से 80 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे इस केस में गाइस, हम पैरेलल कनेक्शन नहीं करेंगे, इस केस में गाइस हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। सीरीज कनेक्शन में इन दोनों सोलर पैनल की जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाती है और एम्पियर सेम रहते हैं। यहाँ पर वोल्टेज ऐड हो जाएगी 40+40 मतलब 80 वोल्ट हो जाएगा, जो कि 80 वोल्ट VOC है वह जो हमारे पास इन्वर्टर है 80 वोल्ट का उसके साथ मैच करेगा, और साथ में एम्पियर सेम ही रहेगी, एम्पियर 10 एम्पियर इन दोनों सोलर पैनल से जाएंगे इन्वर्टर में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा गाइस ध्यान रखें कि सोलर पैनल का कनेक्शन हमें इन्वर्टर की VOC को देखते हुए करना है, ना कि सोलर पैनल के वोल्टेज को। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके और एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसमें और अच्छे से बताया गया है सोलर पैनल के कनेक्शन के बारे में। और गाइज यदि आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।